जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश की कमान संभाली। उस समय की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 75,000 करोड़ का कर्जा हमारी सरकार को विरासत में मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण की, सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए पहले बालिका आश्रम में जाकर के उन बच्चों की स्थिति को जाना जो उस आश्रम में रह रही थी, और उसी समय उन बच्चियों के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुख आश्रय योजना लागू की, जिसके तहत 100 करोड़ का बजट का प्रावधान उन बच्चों के लिए किया। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, ये उन बच्चों के लिए जो असहाय बच्चे थे, जिनको ये लगता था कि जिनके माता पिता जाने के बाद उनका कौन है, और उसी समय हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों के उत्थान के लिए जो सुखाश्रय योजना का प्रावधान किया, आज हम देखते हैं, आज हम उन बच्चों से मिलते हैं जो इस योजना के तहत जिन बच्चों को लिया गया है, जो इस योजना के तहत जो बच्चों को फायदा पहुंचा है, आज वो बच्चे जो अपने आप को असहाय समझते थे, आज उन बच्चों के पढ़ने लिखने का खर्चा, हॉस्टल में रहने का खर्चा आज के समय में सरकार दे रही है, और उन बच्चों को हर महीने पॉकेट मनी के माध्यम से, पॉकेट मनी के लिए सरकार के द्वारा 4,000 रुपया दिया जा रहा है। उनके हॉस्टल का खर्चा सरकार पे कर रही है, और उनका 28 साल तक सरकार ने जो निर्णय लिया है, 28 साल की एज तक उन बच्चों को, बच्चों की देखरेख, बच्चों का घूमने का, कहीं जाने का खर्चा सरकार व्यय करेगी। तो मैं समझता हूं ये जो एक ऐतिहासिक फैसला आज तक किसी भी सरकार ने नहीं, और उन बच्चों की तरफ किसी भी सरकार ने नहीं देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बच्चों के लिए जो ये फैसला लिया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। आज उन बच्चों के चेहरों पर जो खुशहाली देखने को मिलती है, आज उन बच्चों के चेहरों के ऊपर उनको अपना भविष्य जो अब सुनहरा नजर आता है, तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। एक साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहम जो फैसले लिए, ऐसे ऐतिहासिक जो फैसले लिए, जिसके चलते जिसको सबको पता है कि हमारे सरकार बनते ही हमारा वादा था उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से जिन्होंने लंबे समय से मांग की कि हमें ओपीएस के तहत लिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। वित्तीय स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद भी इतना बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया उन कर्मचारियों के लिए, उनका बुढ़ापा सुख से गुजरे, खुशी से गुजरे, उनके लिए पहली ही कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस को लागू किया, और उसके बाद प्रदेश की वित्तीय हालत जैसे ही हल्की सी सुधार में आने की स्थिति में हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की दिन रात मेहनत, और हमारे सभी मंत्रीगण जिनकी दिन रात मेहनत, और सभी हमारे विधायकगण जिनकी दिन रात मेहनत के बजाय हमारी वित्तीय स्थिति में थोड़ा सा सुधार आना शुरू हुआ, और उसके बाद हिमाचल फिर एक बार बैकफुट पे चला गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इतनी बड़ी आपदा बरसात की वजह से आई, भारी बारिश की वजह से आई, मैं समझता हूं कि आज से 50 साल पहले 50 साल के बीच में कभी भी ऐसी आपदा हिमाचल में नहीं आई। इतनी बड़ी आपदा हिमाचल के बीच में आई, सैकड़ों लोगों ने इस आपदा के चलते अपनी जान गंवाई,
सैकड़ों लोग जो है अपने घरों से बेघर हो गए। केंद्र की सरकार के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें गुहार लगाई कि हमें इस आपदा के चलते, इस आपदा को देखते हुए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जैसे कि उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, जब गुजरात के अंदर भुज के अंदर आपदा आई थी, उसी पैटर्न के ऊपर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर एक स्पेशल पैकेज जो हिमाचल के लोगों के लिए रिलीज किया जाए। ये जो पैकेज था ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, हिमाचल के उन लोगों के लिए था जिनको, जिनका समय था कि सरकार, केंद्र की सरकार सहारा बने। वही केंद्र की सरकार जो कभी यहां पर आकर के, हिमाचल में आकर के कि बोलते थे कि हिमाचल हमारा दूसरा घर है, और हिमाचल की उनको उस समय जब याद आती थी कि हिमाचल की उनको सब्जियां बड़ी अच्छी लगती थी, कभी यहां की सेपू बड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, जब यहां का मंदरा बड़ा अच्छा लगता था, पर जब हिमाचल की बारी आई, हिमाचल के लोगों के हितों की बारी आई, उसी सरकार ने हिमाचल के लोगों से मुंह फेर लिया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बड़ा दिल दिखा करके हिमाचल के उन लोगों का दुख देखते हुए, हिमाचल की उन लोगों का वो हालत देखते हुए हिमाचल के लोगों के लिए 4500 करोड़ का बजट जो है अपनी तरफ से वो उनके लिए पेश किया, और हिमाचल के लोगों के लिए कानून बदल दिया जो 1,20,000 रुपया मकान बनाने के लिए उन लोगों को मिलता था। ये सबको जानकारी है कि हिमाचल में, हिमाचल के ऐसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 1,20,000 का से मकान तैयार होना असंभव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कानून को बदला और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपया देने का निर्णय किया, और मेरी कंस्टिट्यूंसी चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 150 मकान जो है वहां पर हमारे लोगों के लिए, जो लोग मकानों से, जिनके मकान जो है इस आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुए, लगभग 150 मकान हमारी चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इस आपदा के चलते कोई भी क्षेत्र इससे छूटा नहीं रहा, मेरी चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र भी इससे छूटी नहीं रही, और मेरा चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर पंचायत आम्ब जो है मेरे क्षेत्र के अंदर आती है, इस बरसात की वजह से चलते हुए एक नाला जो है वहां पर ओवरफ्लो हुआ, उसमें इतना बहाव आया, इतना पानी आया कि पानी वो जो है उस नाले से ऊपर उठ करके लोगों के घरों में चला गया, लगभग 4-4 और 5-5 फीट का पानी जो है लोगों के घरों में गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कुछ समय पहले मेरी विधानसभा का दौरा था, और मेरी विधानसभा की जब मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने उस नाले के चैनलाइजेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का मुझे वहां पर देने की घोषणा की, और मैं समझता हूं कि उस पैसे से जो है उन लोगों को राहत मिलेगी। आने वाले समय में जो आपदा है कभी भी आ गया, इस किसी भी समय आए तो हम उससे कैसे निपटारा करेंगे, कैसे उससे निपटेंगे, इसकी जो दूरदराज की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल के अंदर ग्रीन हिमाचल, ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो हमारे बेरोजगार युवा जिनके अंदर एक आशा जागी कि हमें भी रोजगार करने का मौका मिलेगा, 50% सब्सिडी ई टैक्सी और ई बसेस के ऊपर दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन युवाओं के अंदर जो है एक आशा की किरण जागी दिलाई है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे भी क्षेत्र के काफी लोगों ने जो है इसमें अभी आवेदन भरा है, तो उसके साथ साथ चलते हुए आज के समय में जो हमारे सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट भी हमारे क्षेत्र के, मेरे चिंतपुर्णी विधानसभा क्षेत्र में भी कई जगह है, वो हमने वहां पर निश्चित की है कि यहां पर सोलर प्रोजेक्ट जो है लगेगा। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने एक क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कही,
हर स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके लिए भी, इस इनिशिएटिव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और एक क्वालिटी एजुकेशन एक छत के नीचे मिले, और उसके लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हर विधानसभा में खोलने का जो निर्णय लिया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे क्षेत्र के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया, मैंने जो जमीन है वो तय हमने जो देख ली है, और बहुत ही जल्द मैं वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां पर अपना आशीर्वाद देकर के हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है किंतुबुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर खोलेंगे। और एक साल के कार्यकाल में एकल नारी के, जो विधवा नारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अहम फैसला लिया, जिसके लिए 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए फ्री बिजली का कनेक्शन, फ्री पानी का कनेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का जो फैसला किया, घोषणा की, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक साल के व्यवस्था परिवर्तन को चलते माननीय मुख्यमंत्री जी जो कड़े फैसले, माननीय मुख्यमंत्री जी की कड़ी मेहनत को जो अकेला आप लोगों ने ही विरोध किया, मैं समझता हूं हमारे विपक्ष के जो हमारे साथी बैठे हैं इनके विरोध के अलावा मुझे नहीं लगता कि हिमाचल के अंदर या देश के अंदर किसी ने हमारे एक साल की व्यवस्था परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का विरोध किया। मैं समझता हूं नीति आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की सराहना की, और एक्स बीजेपी के हमारे एक्स सीएम शांता कुमार जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की जो है सराहना की है। इसके चलते काफी, एक मिनट टाइम एक्सटेंड करना है, बैठो अभी इनके बाद 4 माननीय सदस्य और है बोलने के लिए, दोनों दो दो दोनों पक्ष से। तो इस माननीय सदन का जो समय है 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाता है 7 बजे तक। तो अब माननीय सुदर्शन जी कंटिन्यू करें। क्वालिटी एजुकेशन की जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही, हर स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम क्लासेस लगाने जो की जो बात कही है, हम समझते हैं कि हिमाचल के अंदर हमारी एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जो है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे हिमाचल के बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो हम जब बाहर जाते हैं, हिमाचल के बाहर जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या हिमाचल के बाहर किसी रोजगार को पाने के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिले, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अहम फैसला जो एजुकेशन के अंदर किया, हर स्कूल के अंदर 1ली क्लास से इंग्लिश मीडियम क्लासेस जो शुरू करने का जो फैसला किया, इसके लिए नर्सरी से इंग्लिश मीडियम क्लासेस चलाने का जो फैसला किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी ने, क्योंकि इस अभिभाषण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल उन्होंने इस भाषण को पढ़ा, मैं इसका समर्थन करता हूं, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस व्यवस्था को बदला है, अभी आने वाले समय में हम जो हिमाचल को एक प्रगति की ओर माननीय हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपने मुझे समय दिया, मैं आप सबका अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।